गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 7 बज गया है और मैं मॉर्निंग में वॉकिंग पे निकला हूँ और जा रहा हूँ आज जूस पीने। आज तो जूस पी के ही रहूँगा। देखता हूँ स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा, तो उधर की तरफ जाते देखते हैं और फिर उसके बाद आएँगे, नाश्ता करेंगे और फिर से काम पर निकलने वाले हैं। और आज कुछ अलग होने वाला है, जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। फूल बहुत बिकता है, फ्लावर जगह जगह फ्लावर की दुकान मिलेगा। ये देखो ऐसा गाइस, मैं एसी का काम तो करने आ गया हूँ। यही एसी है, इसी एसी को लगाना होता है, लेकिन मुझे इसका नॉलेज बिल्कुल जीरो है। बहुत मुश्किल से ये काम करना पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है काम करना। बट ये मेरा सलाम भाई है, सलाम भाई हाय करो ज़रा। अरे भाई, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हैं सीखने में। इवन मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे सही से नट बोल्ट और क्या बोलते हैं चैनल पट्टी रॉड ये सब का सही से नॉलेज नहीं था। यहाँ पर आने के बाद सब सीख रहा हूँ। और इस मशीन को ही ग्राइंडर बोलते हैं, ये रॉड होता है, ये चैनल पट्टी बोलते हैं ना, चैनल पट्टी बोलते हैं, नट है, बोल्ट एक और होता है जिसमें नट कसा जाता है। मतलब यहाँ पे आने के बाद मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे एसी का नॉलेज बिल्कुल जीरो था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला और धीरे धीरे और भी सीख रहा हूँ। ये मेरा ड्रेस कुछ यूँ है और सेफ्टी शूज़ तो अभी पहना नहीं हूँ, लेकिन गार्ड बोला है यहाँ का जो सेफ्टी मैनेजर है उसने बोला सेफ्टी शूज़ पहनने के लिए। और ये सब पहनना कंपलसरी होता है क्योंकि रिलायंस कंपनी का चल रहा है, तो कंपनी का काम पता ही कितना ज़्यादा सेफ्टी के साथ होता है। करते हैं काम, काम में थोड़ा बहुत तो मज़ा आ रहा है और सीख रहे हैं, नॉलेज हो रहा है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जब पहला दिन आया था आज से 2 दिन पहले, तो मैं आपको सच बोलूं तो मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है, नहीं करना है, क्या हो रहा है, क्या करना है, किधर क्या, बिल्कुल नॉलेज नहीं था, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। इवन इस काम का एसी का एक ड्राइंग होता है, ड्राइंग भी मुझे पता नहीं था। तो धीरे 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 पता हुआ, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है और धीरे धीरे नॉलेज बढ़ रहा है। तो आई नो थोड़ा टाइम लगता है किसी भी नया चीज़ करने में। होता है ना, ये क्या कर रहे हो भाई, क्या होता है इससे? इससे वो फास्टनर नट जाता है, इसमें फ्रेशली फास्टनर नट चला जाता है, उससे हाथ में चुभता नहीं है और इजली चला जाता है। और गाइज आपको बता दूं कि कोई चीज़ सीखने के लिए आपको काम करना पड़ता है, बिना काम के सीखो नहीं, और काम करोगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ आ जाएगा। मैं एकदम ज़ीरो था, जीरो लेवल का था एसी के बारे में, बट अभी जाकर कुछ कुछ सीखा। गाइज अभी काम ख़त्म करके और मैं आ गया हूँ लंच करने के लिए, इसी होटल में जाने वाले हैं और फिर से एक वेज थाली खाते हैं साउथ का। और चलिए देखते हैं आज का सब्जी कुछ अलग है, खाना अलग है या फिर सेम है। फाइनली मेरा लंच आ चुका है, कुछ ही हुए हैं और अभी राइस आना बाकी है, यही होटल है गाइस। कॉलेज में ये अभी शूटिंग चल रहा है, कुछ कोई वीडियो शूटिंग चल रहा है।